संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से ऐन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली में नौकरशाहों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर आखिरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार का समर्थन कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की मीटिंग से पहले इसका ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़गे के इस ऐलान पर उन्हें शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने के लिए खड़गे जी का धन्यवाद। ये अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है और इसका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कहा कि ये केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। अगर देश के लोकतंत्र और संविधान को झटका लगता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट होकर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करें। कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं है। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की हो रही बैठक पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि राज्यसभा में मोदी जी ने कहा था कि मैं सभी विपक्षियों पर अकेला भारी हूं। अगर वो सभी विपक्षियों पर भारी हैं तो एनडीए में शामिल 30 दलों की मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? उन्हें उन 30 पार्टियों के नाम बताने चाहिए। प्रधानमंत्री शायद हमारी बैठक से घबराए हुए हैं। दरअसल बिहार की राजधानी पटना के बाद बीजेपी विरोधी विपक्षी नेताओं की दूसरी बैठक कांग्रेस शासित कर्नाटक में हुई। अध्यादेश मामले पर कांग्रेस के रुख साफ किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं। इसके अलावा एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता भी यहां पहुंचे। इस बार विपक्षी नेताओं के लिए डिनर होस्ट यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी कर रही हैं। हालांकि इस बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार नहीं पहुंचे, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।